400 बरस पहले के हिंदुस्तान में दूर दराज बुखारा से एक काफिला आया और चारों तरफ घूमता घामता पंजाब में दरियाए चिनाब के किनारे पहुंच गया, जहां गुजरात का खूबसूरत शहर बसा हुआ है। चिनाब की लहरों ने प्यार के गीत गाए, गुजरात के शहर ने अपनी मोहब्बत भरी बाहें फैला दी और काफिला शहर में पहुंच गया। मिर्जा इज्जत बेग यूं तो सौदागर है, मगर उसके सीने में एक आशिक का दिल है। जब वो एक गली के मोड़ पर पहुंचा तो उसने ये कहा है कि एक बड़ा खूबसूरत और मीठा सवाल सुना। अरे अभी तो रोटी दी थी तुझे, अब क्या प्यासा है? हाँ बहुत प्यासा। हुजूर, गुजरात बड़ा पुरफिजा शहर है। हाँ गफूर, हर कदम पर हुस्न दिखता हुआ है। क्या दूध है? नहीं, लस्सी है, दही से बनती है। लेकिन मैंने तो पानी मांगा था। पानी तो चलेगा, हमारे यहाँ तो लस्सी मिल सकती है या दूध। जी हाँ, बुखारा के बहुत बड़े सौदागर मिर्जा इज्जत बेग। हर चीज खरीदना चाहिए, बर्तन बेचते हैं, प्यासों को लस्सी और दूध नहीं बेचते। बल्ले हो अशरफ भाई, सोनी की सोनी, ओ सोनी, अरे भाई एक और अशरफ भी दे। आपने बहुत देर लगा दी, मैंने आपके लिए एक बेहतरीन कमरा तैयार कर रखा है। कमरा अच्छा है ना? जी हाँ। वैसे आपके काबिल तो क्या होगा, मगर मैं आपकी खिदमत में कोई कभी ना रखूँ। आप क्या है, मेरी तो किस्मत ही चमक उठी। आइए आइए, तशरीफ लाइए। हुजूर, सबसे बढ़िया कमरा है। आप यहाँ तशरीफ रखिए और मैं अभी हाजिर हुई। बड़ी कुछ नहीं आता, जरा बात कुछ नहीं आता।
हमारा दरिया बड़ा खूबसूरत है और इसके किनारे बसने वाले लोग भी। क्यों है? अच्छा सवाल किया है। कहते हैं इसमें इश्क के खून की लाली है और इसका पानी पीने भड़क उठती है। पानी से आग भड़कती है या भड़कती है? होठों की आग बुझ जाती है, दिल की आग भड़क उठती है। ये दरिया ही ऐसा है, इसके किनारे शहर नहीं, हुस्न और इश्क की कहानियां आबाद है। प्यासा, तुम्हें रोज प्यास लगती है? बुझी कब थी, लस्सी पीकर और बढ़ गई। बैठो बैठो, मैं पानी पिला देती हूँ। बैठो ना। तुम्हें तो नहीं आता, पियो। जरा से मैं पांव फिसल गया। मुझे बड़ा अफसोस है, मेरी वजह से तुम्हारा घड़ा टूट गया। गुजरात की जमीन ही रसीली है। लो। अरे तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, सलाम करो झुक के। लो। खुदा आपको लंबी उम्र दे, आपके दिल की मुरादें पूरी हो। हुजूर भैया, बस बस चलो चलो चलो, बढ़िया है बच्चे कच्चे लेके चलो हटो। चलो, चलो। ए गफूर, कैसी बातें करते हो? ठीक अर्ज कर रहा हूँ हुजूर,
अगर इस तरह अशरफिया लुटाते रहोगे तो कितने दिन हिंदुस्तान रह सकोगे? उम्र भर। उम्र भर? यहाँ क्या फरमा रहे हैं? बुखारा में आपकी अम्मी जान और अब्बा जान आपका इंतजार कर रहे हैं, घर में शादी की तैयारियां हो रही हैं, और आप हिंदुस्तान ले जाना चाहते हैं? यहाँ का हुस्न ऐसा हुस्न गफूर जिसके सामने चांद और सूरज के चिराग भी गुल हो जाते हैं। हम हिंदुस्तान में तिजारत करने आए थे लेकिन दिल का सौदा हो गया। मैंने ऐसा हुस्न कहीं नहीं देखा हुजूर जो दिल से वतन की याद भुला दे। हुस्न देखने के लिए निगाहें चाहिए गफूर, निगाहें। ये मटका कैसे दिया? तीन टके दा। ये लो। एक अच्छा सा घड़ा तो देना। ये लो। कितने का है? दो टके दा, दो टके दा। नहीं नहीं, एक टका। नहीं नहीं, एक टका नहीं, दो टके। अच्छा बाबा, तुम्हारी मर्जी। क्या चाहिए? बर्तन। तुम फिर अपनी शर्फियां दिखाने आ गए? ये बर्तन अशर्फियों के मोल नहीं, कौड़ियों के मोल बिकते हैं, समझे? इनकी कीमत अशर्फियों से भी ज्यादा है। मैंने बर्तन बुखारा में खरीदे थे। खरीदे होंगे। और नहीं, ग्राहक को इस तरह नहीं ठुकराया करती। मैं देख रही हूँ तू कल से हर बात पर लड़ रही। तू चुप रहे, मैंने कह दिया कि मैं तुमसे सौदा नहीं करूंगी, जाओ अपना रास्ता लो। सोनी, तू फिर किससे झगड़ा कर रही है? तुझे अंदर जा, लीजिए मैं आपको बर्तन दिखाता हूँ। मुनाजा फरमाइए, ऐसी खूबसूरत चीज हिंदुस्तान भर में नहीं मिलेगी। मैं सोचने की तलाश में बुखारा से आ रहा हूँ। कौन बनाता है बर्तन? जी मैं बनाता हूँ, लेकिन इनके रंग मेरी बेटी करती है। सुन, क्या कहने, तब तो यहाँ और भी बहुत से खूबसूरत बर्तन होंगे। सुराहियाँ जिनकी शक्ल। जी हाँ, सुराहियाँ जिनमें पानी ओले की तरह ठंडा और शरबत की तरह मीठा हो जाता है, एक ही घूंट में कलेजा तर हो जाता है और दिल की आग भी बुझ जाती है। मेरा मतलब ये बर्तन बहुत खूबसूरत है। जी हाँ, आप अंदर तशरीफ ले जाइए, बहुत से बर्तन हैं। सोनी बेटा, इनको अंदर ले जाओ, बहुत से बर्तन, साफ दिखाओ उनको। जाइए, तशरीफ ले जाइए। ओ चाचा, बड़ा अच्छा ग्राहक मिला है। बुखारे का सौदागर है, बल्ले हो अशरफियों में दाम देगा। अरे तो तू भी कुछ बर्तन बेच ले ना। अरे चाचा, अपने पास ऐसा माल ही कहाँ है जिसके खरीदार बुखारे से आए। मेरा मतलब है दिल की शक्ल की सुराहियां और आंखों की शक्ल के प्यारे। जो कुछ है यही है, अगर पसंद ना हो तो कहीं और जाके देख लीजिए। इतनी दूर से जिसकी तलाश में आया हूं, अब उसे छोड़कर कहां जा सकता हूं? मैंने कहा जरा देख कर कदम बढ़ाइए, अगर एक बार पांव फिसल गया तो फिक्र किस बात की, संभालने वाला मौजूद। अरे सोनी बेटी, जरा बड़ी सुराहियां भी दिखा देना। कहिए कुछ पसंद आया आपको? ना जी, कैसे ग्राहक है, कोई बर्तन पसंद नहीं है। मुझे सब बर्तन पसंद है। जी आप सारे बर्तन सराह भेजा। जी हाँ जी हाँ, जरूर। कुछ समझ में आया बल्लो? समझे मेरी जूती, तू क्यों नहीं समझती? अल्लाह ने सूरज शक्ल तो तुझे दी है, और समझू मैं ऐसा हुस्न जो उंगलियों से निकलकर बर्तनों पर फैल जाता है और दिल पर जादू डालता है। बस 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 बस, रहने दे। अच्छा अब ज्यादा बनो नहीं, चल बर्तन लेकर। मैं नहीं जाऊंगी। तू चली जा। अच्छा शर्म जाती है, चली जाती हूँ, जाती हूँ, जाती हूँ। चल चल, अरे चल, तुझे भी मार खानी है क्या? बादशाह बादाम बादाम पीते जाओ और एक अशरफी इधर भी देते जाओ। बल्ले
क्या किस्मत है, शोफिया मिल रही है। वाह वाह उस्ताद क्या कहने। पूछ नहीं मौलू, वो जो सोनी है ना वो मुझ पर आशिक है, मुझे देखती रेशा खत्म हो जाती है। एक दिन क्या हुआ, इस बुखारे के अमीर ने उसको इशरत भी दी और दोनों ने फौरन मुझे दे दी, जाओ जाकर बादाम पियो और ये तो देख मुंह देखता ही रह गया। तो फिर आज उस्ताद किसी बात पर एक तगड़े हो रहे। नहीं भाई आज मेरा जी नहीं चाहता। क्यों क्यों? अब मुझे सोनी याद आ रही है। वो आ गई सरकार, सरकार वो आ गई सर। की सोनी? क्या खुदा ने हुस्न दिया है सरकार, चेहरा सूरज की तरह दमक रहा है, माथे पर चांद और ठुरी पे तारा चमक रहा है, पलकें तीर की तरह और जुल्फे जंजीर की तरह, चोटियां जैसे काले काले सांप लहरा रहे हो, बल खा रहे हो सरकार। सरकार खुदा ने जैसे आपको खूबसूरत बनाया है वैसे औरतों में उसका रूप है, सारे बदन पर सुनहरी धूप है सरकार। बुखारा से यहां तक के आने का सफर वसूल हुआ सरकार। गफूर तो शायर हो गया। मैं किस काबिल हूं सरकार? सरकार ये सोनी है जी। मैं रेशमा हूँ, बर्तन लाई। तुम सोनी की कौन होती हो? चचा जात बहन। रेशमा तुमसे एक बात कहनी थी। गफूर तुम बर्तन उतारो। रेशमा तुम सोनी की बहन हो ना, मेरे काम करोगी? कहिए। तुम सोनी से कहना कि उसके बनाए हुए बर्तन मुझे बहुत पसंद है, वो मेरे लिए और बर्तन बनाए। दिल की शक्ल की सुराहियां, आंखों की शक्ल के प्याले और सोनी के हथेले की शक्ल की रकाबियां। बस बस मैं समझ गई। अच्छा अब मुझे इजाजत दीजिए। आकर और मुझे भी इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया। अरे आप क्यों तकलीफ कर रही है? तुम्हारा नाम क्या है? बता तो दिया। रेशमा। तो तुम सोनी नहीं हो? नहीं मैं रेशमा हूँ, रेशमा रेशमा रेशमा। अभी तो मैं कह रहा था कि तुम सोनी नहीं हो। ये दौलत किस दिन काम आएगी, न जोड़ू न जाता, अल्लाह ने ऐसे नाता, एक दिन तय हो जाएगी। हम तो कहते हैं कोई आए और ये दौलत ले जाए। अरे लामा मुझे दे दो, मर जाओगे तो तुम्हारी कब्र पे चिराग जला दूंगी। तो बड़ी भी तुम क्यों बीच में टपक पड़ी? चलो पड़े हाथ। अभी तो तुम्हारे कब्र पे चिराग जलाऊंगी। हम तो किसी दिल का हाल सुना रहे थे। किसको सुना रहे थे तुम अपने दिल का हाल? किसी को नहीं, बस जरा यूं ही देख ली मेरी आंखों ने, इसी दुनिया में जन्नत देख ली। दर पे मुस्कुराती मैंने किस्मत देख ली, मेरी आंखों ने, मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली। एक दिल और उस पे लाखों, दिल और उस पे लाखों गिरने वाली बिजलियां, ये जवानी ये अदाएं, ये रप ये शोखियां, ये तड़प ये कयामत देख ली, मेरी आंखों ने, मेरी आंखों से दुनिया में जन्नत देख ली। तेरे
मैंने तेरी मस्त नजरों में मोहब्बत देख ली, मेरी आंखों ने ओ मेरी आंखों ने इसी दुनिया में जन्नत देख ली, तेरी महफिल तेरा जलवा तेरी सूरत देख ली। बल्ले भाई, तू अपने भाई को बुजदिल समझती है जन्नत, सोनी को आग में से मैंने निकाला है। आए हाय, तू ही कह रहा था कि वो बुखारा का अमीर इज्जत बेग आग में कूद गया। ओ, तो सारे सुन, पहले वो आग में कूदा और पीछे मैं, मगर सोनी के पास पहले मैं पहुंचा और फिर बल्ले भाई उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। वाह मेरा शेर बेटा वाह। मैं कोई झूठ थोड़े बोल रहा हूँ। ये इज्जत बेग कौन है? पहले बताया तो है कि बुखारे का एक अमीर है। तेरी अकल मोटी है, बात जरा देर में समझती है तू। ये सोनी के घर पे क्या कर रहा था? नेक बख्त वो बुखारे से सोनी के बनाए हुए बर्तन खरीदने आया है। अम्मा वहाँ कौड़ियों की चीज अशरफियों के मूल बिक रही है। क्या बुखारा में सोनी के बर्तन बिकते हैं? तब नहीं तो क्या, तू भी कुछ बर्तन बेच ले फत्ता। तेरी तो मत मारी गई है अम्मा, हमारे भोंडे भद्दे बर्तन कौन खरीदेगा। सोनी के हाथ में तो जादू है जादू। मैं बताऊं, वो जादू की मुर्गी जो सोने के अंडे देती है उसे हम अपने घर ले आए। फत्ता से सोना जवान इस शहर में कहां मिलेगा उन्हें। मखौल ना कर। इसमें मखौल की क्या बात है, मैं कोई अच्छा दिन देखकर नूरा और तुल्ला के पास चली जाऊंगी, बात पक्की हो जाएगी। फिर सोनी यहाँ आकर बर्तन बनाया करेगी और बुखारा का अमीर हमारे दरवाजे पर खड़ा रहेगा। बल्ले जा फिर अम्मा। सोनी तेरे हाथ में जादू है जादू, पहले तो इतने अच्छे फूल नहीं बनाती थी। हरी जी तो चाहता है कि सारी दुनिया के फूलों का रंग निचोड़ कर रख लो। इसका व्यापार देखो, महंगा खरीदा और सस्ता बेचा, दिल का सौदा ही ऐसा होता है गफूर। खरीदने जाओ तो महंगा और बेचने जाओ तो सस्ता, मगर यूं कब तक गुजरेगी। आपके माँ बाप समझ रहे होंगे कि बेटा बड़ी दौलत कमा रहा है और आप तो यहाँ सब कुछ लुटा के बैठे हैं। मैं कहता हूँ ये दुकान बढ़ाइए और सीधे सीधे चलने की तैयारी कीजिए। तू चला जा गफूर, यहाँ इन बर्तनों की इतनी मांग भी नहीं जितनी बुखारा में है। हर काफले के साथ कुछ बर्तन भेज दिया करूंगा। नहीं, मैं तो आपको वापस ही लेके जाऊंगा, लेकिन मेरा वापस जाने का कोई इरादा ही नहीं। मुझे हिंदुस्तान की हवा पसंद आ रही है। हवा? हिंदुस्तान की हवा नहीं, आपको हिंदुस्तान की सूरत पसंद आई है आका। बस तय हो गया गफूर, तीन चार दिन बाद जो काफला जा रहा है उसी के साथ ही चला जाए। नहीं आका, मैं आपके साथ ही चलूंगा। गफूर ये मेरा हुक्म है, जाओ सफर की तैयारी करो। कैसे सफर की तैयारी है? बुखारा की। इतनी जल्दी जा रहे हैं? यहाँ रह के क्या करूं? देखो मैं तुम्हारे लिए सुराही बना कर लाई हूँ, पसंद है? बहुत अच्छी है, लेकिन तुमने दिल की शक्ल की सुराही नहीं बनाई। गौर से देखो तो हर तरफ दिल धड़कता हुआ नजर आएगा। इसमें तो हर जगह फूल खिले हैं। दिल जब खुश होता है तो खिलकर फूल बन जाता है, और खुश न हो तो? मुझे क्या मालूम। इसीलिए तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। हाँ। मैं क्या जानू। सोनी सुराही के दाम तो लेती है। कौन जा रहे हैं? वही परदेसी इज्जत बेग और गफूर। मैंने तो उनसे अपनी बदतमीजी की माफी भी नहीं मांगी, जान बचाने का शुक्रिया भी अदा नहीं किया। तूने इज्जत बेग को खफा कर दिया है। मुझे मनाना भी आता है। अकेले,
जहां जा रहे हो छोड़कर चला जाता तो कयामत के दिन आपकी मां मेरा दामन पकड़ती। और दूसरी बात ये कि अब दुल्हन को साथ ही ले चलेंगे। आज से तू मेरा गुलाम नहीं, मेरा भाई है। बल्ले है, ये दोनों फिर वापस आ गए हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। आए हाय, इज्जत बेग गया ही कब था, वो तो गफूर जा रहा था और वो भी वापस आ गया। उस्ताद तुम तो अंधे हो, देर से नहीं बर्तनों की दुकान लगा रखी है। दिन भर में एक भी चीज नहीं बिकती, लेकिन सोने के घर के चक्कर रोज लगते हैं। उस्ताद अब भाग जाओ, बड़े चक्कर लगा रहे हो। बल्ले हो, कब तक यू दौलत लुटाओगे? इसके मुंह क्यों लगता है? बाजार की गाली है, जो मुड़कर देखता है उसी को लगती है। रेश्मा, मैंने माफी मांग ली। रेश्मा, क्या परदेसी चला गया? न जाने ये परदेसी कहां से आ जाते हैं। तो तूने उसे रोक लिया? मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारा फक्का मेरी सोने के काबिल नहीं, मगर मैं सोच का जवाब दूंगा। इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, लड़की का प्यार है, कोई हंसी खेल नहीं।
बेटी इतनी भारी तो नहीं है कि बेसोचे समझे उसका हाथ पकड़ा दे। तुम सोच लो नूरा, वैसे मेरी तरफ से तो बात पक्की है। तू क्या घूर रहा है मच्छर की औलाद? पता देख रहा हूं कि भैंसे में कितनी ताकत है। ताकत देखना चाहता है? चुटकियों में मार दूंगा। बल्ले होए, अपने मालिक को भी ला जो सोनी का तुम छल्ला बन गया है। मेरा मालिक छल्ला को भी ला, और ना मुझसे बुरा कोई ना होगा। ये क्या हो रहा? पता, तुम पहलवानों का नाम बदनाम कर रहे हो। बेजो कुश्ती लड़ते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाय हाय, इसे चाय की शर्म आने लगी। ये कोई पहलवान थोड़ी है, ये तो कुम्हार है। तुम्हें बड़ी शर्म है, मैं कुम्हार हूँ तो क्या हुआ? देखो जी, अपने नौकर को कुछ कहो ना, मुझ पर इल्जाम रख रहे हो। मैं कमाल है साहब, ये भी कोई बात है? चल कपूर, चल आ जा लोला कपूर को। मेरा नाम मत लेना। अरे दादा, तेरा नाम कौन लेता? तेरा नाम लेकर तो रोटी भी नसीब नहीं होती। पट्टी बांध दी तो क्या, मैं बोल नहीं सकता। मैं पूछता हूँ, भाग जाओगे? इज्जत बेका, यहाँ क्या काम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। यही तो मैं कहता हूँ, बल्ले हुए वो अपनी दौलत से सोनी को फांस रहा है। मुझसे ये नहीं देखा जाता, मेरे कलेजे में दर्द उठता है। और टीस उठती होगी? वो भी उठती है। आई रात को सारी दौलत ठिकाने लगा देंगे। हाँ। फिर मिर्जा इस वक्त ठंडे पहाड़े चले जाएंगे। बल्ले हुए, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये ठीक है। नीचे चोर मालूम होते हैं, चोर जल्दी कोई। देखिए ना, कमबख्त सारा सामान उठा ले गए। मैं इन चिथड़ों का क्या करूंगी? अरे गरीबी, इसमें इतना सोना लगा है कि तुम्हारे दामों से कई गुना ज्यादा। ले लो, ये दुल्हन के कपड़े हैं। मुझे नकद चाहिए, नकद। नकद और क्या, बल्ले है बड़े सौदागर बनकर आए हो बुहारे से, नकद तो। अच्छी बात है, मैं गफूर के यहाँ छोड़ जाता हूँ, अभी बाजार से आता हूँ। तुम नहीं आए तो मैं क्या इसका अचार डालूंगी? अरे तो फिर तुम मेरे साथ किसी को भेज दो। बल्ले, मैं कोई डरता हूँ इससे, चलो चलो। जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। सुनी, तुम आ गई? मगर कुछ नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। आओ। कहाँ जाता है? अभी आता हूँ, आइए। लेकिन ये कीमत तो बहुत कम है, जरा सोचिए तो, दुल्हन के कपड़े हैं। इससे ज्यादा दाम आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन भाई, ये कपड़े नहीं बिकेंगे। लेकिन सोनी, बात ये है कि मैं ये कपड़े तुम्हें हरगिज नहीं बेचने दूंगी। आओ मेरे साथ। बल्ले है, ये तुम्हारी शराफत है बेटा कि तुम किसी का नाम नहीं लेते। मगर पत्ता कितना बड़ा बदमाश है सो मैं जानता हूँ। ये तो सोनी ने अच्छा किया जो तुम्हें यहाँ ले आए। मेहरबानी है कि ऐसे आड़े वखाम आ रहे हैं और मुझे पनाह दे रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे अपना ही घर समझो। हम तो कामकाज वाले लोग हैं, तुम भी हमारा हाथ दिया करना। लेकिन मुझे कुम्हार का काम तो नहीं आता। वो तुम्हें मैं सिखा दूंगी। सिखा देना, मगर जब तक मैं काम नहीं सीखता वैसे ही चला लाया करूंगा। फिर तुम्हारा नाम इज्जत बेग से माहिवाल हो जाएगा। ओ चाचा,
बल्ले है, ये दोनों परदेसी यहाँ नहीं रहेंगे। तुम नहीं जानते ये कितने चोर हैं। तू कौन होता है हमारे बीच में टांग अड़ाने वाला? हाँ बल्ले हो, होता तो कुछ नहीं मगर होने वाला हूँ। जबान संभाल कर बात कर, गाली पकेगा तो मुंह तोड़ दूंगा। ये मेरा घर है, जिसे चाहूंगा अपने साथ रखूंगा। जा भाग जा। हाँ बल्ले, चाचा गुस्से की होता है, हमें क्या, तो खुद ही पछताएगा। हाँ जाता हूँ जाता हूँ। चलो चलो भाई चलो, कमाल है। जल्दी है, जवान लड़कियों को कौन घर में बिठाता है, सभी जल्दी करते हैं। मैं आज मुबारक दिन देखकर आई थी, तुमने सोचकर जवाब देने का वादा किया था ना। अब दिन और तारीख तय कर लो, फत्ता के साथ सोनी का ब्याह कर दो। क्यों जन्नत, मैं ठीक हूँ ना? ठीक ही तो कह रही हो अम्मा। तुम्हारा
क्या पता कुम्हार नहीं पहलवान बना फिरता है। और मुझे अपनी बेटी को पठारन नहीं बना। कभी नहीं पहनूंगी। अरे तू तो रूठ गई। सोनी देख मुझे तेरे इन फूलों पर बहुत रश्क आता है। कितने करीब हैं तेरे लिए। ये तो कोई मेरे दिल से पूछे कि तुम मेरे कितने करीब हो। आई लव यू लसी व्यू मैंने अपने हाथ से बनाई है और मैंने तेरे लिए मछली भुनी है। ले खा। इसी तरह अपनी मोहब्बत की फाल निकालते हैं। तू क्या फाल निकाल लेती? अगर ये घड़ा बहते बहते हमारी निगाहों से उछल हो गया तो हम दोनों का साथ कभी नहीं छूटेगा। अगर बीच में डूब गया या टूट गया तो सोनी से बिछड़ गया है। उसी को जंगल जंगल ढूंढ रहा है। उसे महिवाल कहो। महिवाल तो सिर्फ एक ही है मेरा महिवाल। और सिर्फ एक सोनी मेरी सोनी महिवाल। वादा करो कसम खाओ मुझे छोड़कर तो नहीं जाओगे महिवाल। बोलो क्या मेरी मोहब्बत पर एतबार नहीं है? मोहब्बत से बड़ा वादा मोहब्बत से बड़ी कसम और क्या होगी? मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूं। मैं भी अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे। मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुड़ा कर सकेगी। मिठू बेटे बीबी का प्यारा मिठू बोलो मिठू। सोनी बोलो सोनी। अच्छा बोल माहिवाल। ले ला इधर रख दो।
सौ रब की सोनी है, तू बहुत अच्छे बर्तन बनाती है। मैंने सोचा कि मैं भी बर्तन खरीद लूं। अरे तुझे क्या बनाने नहीं आते, जो यहाँ आया है मुस्टंडे। ओहो बल्ले हो, मैं सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छे बनाती है तू, हाँ इसीलिए तो आया हूँ। हाँ तो बोल, बता कौन सा लेगा। मैं बल्ले, मैं ये लूंगा बर्तन काला। हाँ ये मटका। तेरे डील डॉल का है ना, ले। परवाह ना कर, मैं आ गया हूँ। बल्ले घबराने तू, ले दे दे मैनू। घबराने है, ले कहाँ गए भाई। ये ले, अरे ले ना, अशरफी है, ले ले। और सारे के सारे बर्तन भेज दे मेरे घर, कल बैसाखी है, मैं मुफ्त बांटूंगा। ऐलान करने आया है, और वो भी चोरी की अशरफियों से। अरे तू बात क्या, अरे क्या कर रही है पागल, अशरफी है, अरे अशरफी है, तू क्या कर रही है, क्या हुआ पागल, और है कुछ नहीं भागता, अरे क्या फेंक रही है, अरे बाप, ऐसा दूर रख के। अभी देख लेता हूँ। यहाँ नहीं अमित, रास्ते में। उस्ताद का गम हमसे देखा नहीं जाता। अबे यहाँ नहीं, उस्ताद ने कहा था रास्ते में। तू फिक्र रही हूँ, उन्हें खबर कर दी, तो आ रही है। चलो चलो चलो। आज तो गले मिले, बैसाखी का दिन है। नहीं, ईद के दिन गले मिलेंगे, वो हमारी ईद होगी। चाची, महीवाल ने कुछ नहीं किया। रोजी 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 ते तो मांगदा मौला जी, मैं रोजी दुध दा दरिया वगा दे, बल्ले ओए खंड दा वरेता पा दे, जंगल उगा दे भंग दा मौला जी, मैं रोजी 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 ते वो मच्छर। अरे सूरज मच्छर लड़ने पहलवानों से आया है। पता तू पहलवान नहीं है, गुंडा है गुंडा। तुम पहलवानों का नाम बदनाम कर रहे हो। भले तो फिर महीवाल को ढूंढने आया। बता दे फत्ता, तूने महीवाल को कहाँ छुपा दिया। बता दे फत्ता, नहीं तो क्या करेगा। बताऊं क्या करूंगा, मैं तेरी फोटी नोचूंगा। और जा दो महीवाल के पास, इतनी इतनी सब पहुंच जाते महीवाल के पास। और
इश्क की आंच ने तुम्हारे दिल को नरम कर दिया। सच्चे दिल से यहां रहोगे तो तुम्हारी मुराद जरूर पूरी होगी। इश्क हकीकी का रास्ता इश्क मजाजी के जरिए से मिल सकता है। जिसने इंसान से मोहब्बत नहीं की वो खुदा तक नहीं पहुंच सकता। सब्र से काम लोगे तो महबूब खुद तुम्हारी तलाश में आएगा। इंसान इंसान पर कब तक जुल्म करेगा? वो कहते हैं मैं गैर हूं, दूसरे मुल्क से आया हूं, इसीलिए मेरी मोहब्बत जुर्म बन गई। खुदा एक है, उसकी कायनात एक है, इंसान एक है, पूरब और पश्चिम सब फरेब है, सिर्फ इश्क हकीकत है। मोहब्बत से जुल्म और नफरत सबका खात्मा हो सकता है। आखिर एक दिन दुनिया में उजाला हो जाएगा बेटे। केली साहब, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी बच्ची अच्छी हो जाए। इकलौती है, बड़े दुख उठा के पाला है। मैं दुआएं मांग रही थी कि इस दिन इसके माथे पे सिरा बंधेगा, मगर खुदा ने ये दिन दिखाया। बेटी जरा नब्ज दिखाना। लड़की बिल्कुल दीवानी है, इसका कोई इलाज नहीं। बस एक उम्मीद है, अगर कोई इससे शादी कर ले तो शायद ठीक हो जाए। शादी ईद के दिन गले मिलेंगे, हमारी ईद होगी। चाहे मेरा तो काट दो चाची, लेकिन सच्ची बात जरूर कहूंगी, हकीम जी बीमारी नहीं पहचान सके। क्या तू पहचानती है? देखो जन्नत, तुम चुप रहो। हकीम जी थीमन मुसीबत के वक्त ही तो पहचाने जाते हैं। मैं कहूंगी तो मेरा फत्ता इनकार नहीं करेगा। ये शादी नहीं होगी चाचा। बोलो चाचा, तुम इनकार क्यों नहीं करते? तुम्हारी सोनी मर जाएगी चाचा, मर जाएगी। मेरी सोनी मर चुकी है बेटा, अब उसके जनाजे की तैयारी करो। एक साहब, कोई दूल्हा सलाम के लिए हाजिर हुआ है। कौन आया है? कोई दूल्हा है, दरगाह पर सलाम के लिए आया है। कौन खुश नसीब है? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? जहां मेरे दिल का सुकून है। सारी दुनिया सुकून की तलाश में यहां आती है, अभी तुम्हें सहारे की जरूरत है। मुझे अब किसी सहारे की जरूरत नहीं है। भाग जा सोनी, भाग जा। तू क्या सोच रही है? जल्दी कर, अभी वो कसाई आ जाएगा और तू अकेली रह जाएगी।
मेरी सोनी। वो टाइम आ गई जन्नत, खुदा का नाम ले सोनी, खुदा का नाम। मजलूमों और मजबूरों की दुआएं काम आती हैं। तुझमें खुदा क्यों मार? शादी के घर का चिराग बुझा दिया। कोस क्यों रही हो जन्नत? बेचारी दीवानी है, इस पर इतना जुल्म ना करो। तू दुल्हन के कमरे में क्या कर रही है? मैं सोनी का दिल रखने को आ गई। बेचारी अपने होश आवास में नहीं है। भत्ता को आने दो, अभी होश आ जाएगा। तुम तो चलो यहाँ से। ऐसी बेहजाई ना देखी ना सुनी, आंखों का पानी मर गया। छी 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 छी, आज भी मुंह चढ़ा हुआ है मेरी बहन का। बल्ले हुए, आज तो गुस्सा थूक दे, आज तो मेरी खुशी की रात है। मैं गुस्सा थूक दूंगी पर वो जन्म जली तेरे मुंह पे थूकेगी। जरा अपनी चहेती की करतूत तो देख, दुल्हन बनी बैठी है, मैं मुंह देखने गई तो फूंक मार के चराग बुझा दिया। अब देखो तेरे साथ क्या करती है। हाँ, मेरे साथ क्या करेगी, मुझे देखते ही शर्मा जाएगी। बल्ले होए। आंखों में कितना प्यार है। बल्ले और सोनी की आंखों से तो मुझे डर लगता है, डर। ओ, वो जादूगरनी है, जादूगरनी। बड़ी आई जादूगरनी। क्यों जी, तुम अपने घर से यहीं सीख कर आई हो? क्या तुम्हारे माँ बाप ने यहीं सिखाया था क्या? ब्याह के जाना और अपने खसम को बाहर निकाल देना। खसम किसका? खसम तेरा और किसका? जन्म जली, मैं भत्ता की बात कर रही हूँ। मेरा ब्याह तो महीवाल से हुआ है। चूड़िए, तूने तो हमारी भी इज्जत हाथ में मिला दी। आज तो मैं तुझे मार ही डालूंगी। महीवाल, 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 ये तुम क्या कर रही हो? जन्नत क्या कर रही है? नई दुल्हन पर इस तरह हाथ उठाते? मैं नूरा और तुंगा को क्या मुंह दिखाऊंगी? पराई बेटी है जन्नत, पराई बेटी है। मेरा सपना होता है सोनी।
सोनी मेरी लो मेरी बहन शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है अच्छों में जाती है तो अच्छी तरह रहती है बुरों में जाती है तो बेचारी दुख उठाती है इसमें माँ बाप क्या कर सकते हैं मगर जन्नत उसे बहुत दुख दे रही है चाची इतना मारा कि सारे मुंह पर नील पड़ गए इसीलिए मैं इस शादी के खिलाफ थी मुझे क्या खबर थी मैंने तो हकीम जी के कहने पर यह सोचकर शादी की थी कि शायद सोनी सुखी हो जाए क्या मालूम हकीम जी का कहना ही ठीक निकले और सोनी अच्छी हो जाए हो चुकी इस घर में मेरी कोई नहीं सुनता हमारे लिए तो तू भी सोनी के बराबर है किसने तेरी बात नहीं सुनी बेटी तुम्हें नहीं सुनी चाचा और उसका ब्याह कर दिया सोनी की बीमारी दूसरी है अब भी मेरी मानो चाची उसे ससुराल से बुला लो कुछ रस्म रिवाज भी तो होते हैं दुनिया क्या कहेगी यही ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया मुझे तो ये डर है कि किसी दिन सोनी अपने कपड़े फाड़कर घर से ना निकल जाए मैं अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहता हूँ मैं भी अपनी मोहब्बत की कसम खाकर कहती हूँ हम दोनों एक साथ जिएंगे और एक साथ मरेंगे मौत भी हम दोनों को एक दूसरे से जुदा ना कर सके मेरा बिछड़ा यार मिला दे मेरा बिछड़ा यार मिला दे सदका
बात माने तो कहूं, अब तू अपने दिन में मिट्टी क्यों खराब कर रहा है? अब क्या मुंह लेकर जाऊंगा चाची? महवाल की माँ पूछेगी कि बेटे को किस देश में, किस हाल में, किसके सहारे छोड़ आया, तो मैं क्या जवाब दूंगा चाची? हाँ बेटा, हम शर्मिंदा हैं, हमारे घर से महवाल खो गया, मगर हमने तो उसे बड़े प्यार से रखा था, मगर हमारा प्यार रास ना आया। चाची, मेरा दिल तो कहता है महिवाल जिंदा है और वो एक न एक दिन जरूर वापस आएगा। जी, इतनी रात गए, कौन आया? सुनो, मेरे बच्ची, मेरी लाडली, मेरा बदन बहुत दुख रहा है। क्यों मेरी जान, क्यों? देखो चाची, मैं ना कहती थी जन्नत ने मार मार के लहूलुहान कर दिया उसे। उस चुड़ैल के हाथों में कीड़े पड़े, उसका सत्यानाश हो, क्या हाल कर दिया मेरी बच्ची का। देखो चाची, अब मैं इसे वहां नहीं जाने दूंगी। जब तुमने मेरा ब्याह महिवाल से किया था, तो फिर मुझे पता के घर में भेज दिया। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची का इस जन्म को क्या हाल बना दिया। चल घर में आ, थोड़ी हल्दी लगा देती हूँ। पूछती कुछ, जवाब कुछ देते और फिर मुंशी को पागल कहते। रेशमा, तू तो सब जानती है ना, तू ही बता, मैं माहिवाल को अकेली कहाँ कहाँ ढूंढूं? अब तो मेरे पांव भी जवाब दे गए रेशमा। फिक्र ना कर सोनी, मैं महिवाल को ढूंढ निकालूंगी। सोनी माँ, मैं यहां से नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी माँ, मुझे यहाँ की हर चीज में महिवाल दिखाई देता है। सोनी मेरी जान, सुन, मुझे मत भेजना, माँ की बात नहीं सुनूंगी, नहीं जाओ। मेरी जान, मेरी जान। कैसे नहीं जाएगी? क्या हमारे घर को बदनाम करेगी? और ये महिवाल यहाँ क्या कर रहा है? कहीं महिवाल को तो घर में नहीं छुपा रखा? बेटी देकर हमारा सर तो झुक ही गया है, अब और क्यों जूतियाँ मार रही हो? अरे इसकी क्या मजाल जो जूतियाँ मारे चाची। चल हट, बड़ी हमायती बनी खड़ी है, अब क्या इसकी जान लेना चाहती है? मैं इसे नहीं जाने दूंगी। कैसे नहीं जाने देगी? नहीं, छोड़ रेशमा। छोड़ो चाची, झगड़े से क्या फायदा। सोनी जरूर जाएगी जन्नत, बेचारी पगली है ना, यहाँ चली आई थी, मैं तो खुद इसे छोड़ने आ रही थी, अच्छा हुआ तुम दोनों यहाँ चली आई। एक दफा बेटी का हाथ में दे दिया तो हमारे लिए ये पराई हो गई। जा मेरी रानी बेटी, जा, तू तो मेरी अच्छी बेटी है, अब ये घर तेरा नहीं रहा। अच्छी बेटी की डोली जाती है और जनाजा निकलता है। अपनी माँ का कहना नहीं मानेगी? देख सदा, सोनी को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ, अपनी बेटी की तरह रखना। मारपीट से शायद नहीं सुधरेगी, प्यार मोहब्बत से ठीक कर रहेगी। एक बार और कहती हूँ, चोट बहुत लगी है, थोड़ी सी हल्दी लगा देना। तू फिक्र मत कर नूरा, मैं सोनी को अपने कलेजे से लगा के रखूंगी। जा मेरे नानी गुमान ना कर हुसन दा गुमान, एक दिन मिट्टी विच मिल जाना।
ना कर हुसन दा गुमान, एक दिन मिट्टी विच मिल जाना, एक दिन मिट्टी विच मिल जाना। बल्ले ओए ओए अम्मा, आपकी ईद मेरी ईद होगी, खूब बर्तन बिकेंगे, बुखारा तक जाएंगे, वो देख। देख जन्नत क्या हो रहा है। ये कैसे हो गया माँ? मैं जानती थी कि नरमी के बर्ताव से सोनी ठीक हो जाएगी, अब काम काज में लग गई है, आहिस्ता आहिस्ता इसका दिल बहल जाएगा। ये मुआ कौन है? जन्म जली अपने यार की तस्वीर बना रही है। बल्ले ओए। मैं भी देखूं किसकी तस्वीर है। कौन कलमुआ है? बल्ले ओए, ये तो महीवाल है। रणजीत है ना? बड़े मुंह तेरा। जन्म जली बेड़ा खा। अस्मन मेरी किस्मत फूट गई मेरी किस्मत। चांद हो गया तुम्हें। आज तो गले मिले, बैसाखी का दिन है, ईद के दिन गले मिलेंगे, वो हमारी ईद हो गई। मेरी भाभी को कहीं नजर न लग जाए, बहुत प्यारी लग रही हो। ईद के दिन सब मिलेंगे अपने अपने यार से। बहुत खुश हो? चलो सब ईद का जा रहे हैं। आज सारी दुनिया का है। क्या कह रही हो? तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। तुम्हारी समझ में कैसे है? तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया है ना? ईद के दिन सब मिलेंगे अपने अपने यार से, अपने अपने यार से, अपने अपने यार से। बस में जिंदगी में
के दिल का मिटे गम जाने अगे बरस हो न हो हम कुछ भरोसा नहीं जिंदगी का ईद का दिन तेरे बिन है फीका आ जा के दिन है खुशी का हम अकेले और ये मेले ईद है और तेरी याद है तो नहीं आई जन्नत ये कैसी धमा चौकड़ी है सोनी को जंगल से पकड़ कर लाई थी और पत्ता के साथ बंद कर दिया है अम्मा जब देखो भाग जाती है गजब किया बेटी तूने तेरा गर्म खून है कुछ सोच समझ कर काम नहीं करती मैंने सब सोच लिया है मुझे लगता है दुल्हन के सर पर आसेब है कोई जिनी या भूत है कि मेरे बेटे को कुछ हो ना जाए अरे तुम तो सठिया गई हो अम्मा सुबह तक देखना पत्ता सारा आसेब उतार देगा सो जाओ मेरा भैया आज दूल्हा बना है सोनी
कहती थी कि दुल्हन के सर पर आसेब है, किसी जिन भूत ने पकड़ लिया है। और भत्ता को क्या हुआ? मेरे शेर से बेटे को बकरी की तरह बांध दिया है। भत्ता, तुझे क्या हुआ? अम्मा, बल्ले होए, मुझे पलंग के पाए से बांधकर सारी रात वहां खड़ी रही है, शेरनी की तरह मुझे घूर रही थी। अम्मा, मुझे ऐसे मालूम होता है खा जाएगी ये। बल्ले, मुझे जल्दी से खोल दो ना। सोनी, सोनी, सोनी मर गई ना? मर गई? बेहोश हो गई है। फत्ता दौड़ के हकीम जी को बुला ला। और हाँ, नूरा और तुल्ला को भी खबर कर देना। देख लिया, शुक्र है कि फत्ता सही सलामत है। तेरी तो मत मारी गई थी कि दोनों को एक साथ बंद कर दिया। अब तूने ऐसा काम किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, समझी? मेरी सोनी ने प्याम भेजा है। मिठू मियां, मिठू मियां, मेरी सोनी कैसी है? ये तुम्हारे सर पे खून कैसा? मेरी सोनी किसी मुसीबत में, मेरी सोनी किसी मुसीबत में। तेरा आज गलियों में तेरी।
महिवाल, तुम कहाँ हो महिवाल, कहाँ हो तुम, तुम कहाँ महिवाल? तुम्हारे दिल में है बेटी। मैंने अभी उसकी आवाज सुनी थी, वो गा रहा था, मुझे बुला रहा था। दिल में बसने वाले की आवाज हर तरफ सुनाई, चिड़ियों के गीत में, पानी के बहाव में, हवा की रवानी में, तुम पर नगमा हर तरफ सुनाई देगा। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके सीने मोहब्बत से भरे हैं। मुझे महिमा से मिला दीजिए, मेरी आंखें उसके लिए तरस गई है मिर्जा। बेटी, जिससे तुम मिलकर एक हो चुकी हो, अब मैं उससे कैसे मिलूं? जो दिल में बस चुका है वो एक न एक दिन नजरों के सामने जरूर आए। चलो चलो बेटी चलो। अरे अब तो बता दे मुझे क्या बात है, कहाँ लिए जा रहा है? यार कमाल का गला पाया है, हम सुना करते थे कि संगीत से बीमार अच्छे हो जाया करते हैं, मगर आज तो अपनी आंखों से देख लिया। क्या देख लिया? सच कहता हूँ, आज पीर जी एक बेहोश लड़की को देखने गए, लाख जतन कर डाले मगर उसे होश नहीं आया, लेकिन जब तुम्हारी आवाज सुनी तो उसने आंखें खोल दी। यार तुम संगीत से अपना इलाज क्यों नहीं करते? क्या नाम था उस लड़की का? नाम भला सा नाम था, लाहौल बिना कुवत, लड़कियों के नाम तो मुझे याद ही नहीं रहते। भले आदमी, उसकी सूरत तो याद होगी। क्यों नहीं, गोरा सा रंग, बड़ी बड़ी काली आंखें, बूटा सा कद, बस यूं समझ लो कि गुजरात शहर की सबसे ज्यादा हसीन और खूबसूरत लड़की। अगर देखो तो एक जान छोड़ हजार जान आशिक हो जाओ, अपनी सोहनी को भूल जाओ। कहीं मेरी सोहनी ही तो नहीं है? अच्छा ये बात है, तो ये दाढ़ी और मूछें लगा के तुम उसी के लिए निकले हो? उसे भूल जाओ, उसकी तो शादी हो गई। जन्नत, वो जरूर महिवाल की आवाज थी। मैं क्या जानू, मैंने तो उसकी आवाज कभी सुनी नहीं, मगर बड़ी मीठी और सुरीली आवाज थी, जैसे फरिश्ते गा रहे हो। वो महिवाल की आवाज थी, बिल्कुल महिवाल की, मगर पीर साहब कहते हैं वो मेरे दिल की आवाज थी, वो मेरे दिल की आवाज थी। क्यों गफूर, महिवाल का कुछ पता चला? गली गली की खाक छान डाली, मगर महिवाल का कहीं पता नहीं चला। कुछ भी हो रेशमा, वो आवाज महिवाल ही की थी। मैं अपने आका की आवाज को अच्छी तरह पहचानता हूँ। आवाज तो मैं भी पहचानती हूँ, सोनी ने भी आवाज पहचान ली थी। कुछ भी हो, मेरा दिल तो कहता है महिवाल पीर साहब के दर में होगा। वो कैसे रेशमा? वो ऐसे कि पीर साहब ने गीत सुनकर रशीद मियां को आगे भेज दिया था। हाँ। वही उसे ले गया होगा। क्यों? ठीक कहती हूँ रेशमा, ठीक कहती हूँ। आका, मालिक, मालिक। कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता।
ये महिवाल मेरा दुश्मन है। बेटा ये वो जगह है जहाँ दोस्त और दुश्मन में फर्क नहीं रहता। तुम्हें खून बहाना था ना, खून बह गया। भाइयों गलती इंसानी से हुआ करती है, पत्ता को माफ कर दो, ये नादान है। चलो बेटा पत्ता चलो। सोनी तुम्हारी बीवी नहीं है। मगर पीर साहब सोनी से मेरा निकाह हुआ है। दीवानी लड़की का निकाह नहीं होता, उसकी हाँ या ना का मतलब कोई क्या जाने। और तुम खुद ही कहते हो कि वो हर वक्त महिवाल की रट लगाए रहती। हाँ ये तो पीर साहब ठीक है, मगर मैं सोनी से बहुत मोहब्बत करता हूँ, भले हुए उस पर जान छिड़कता हूँ। तुम्हारी मोहब्बत नफरत से आलूदा है, कैसी अजीब बात है। हुस्न खुदा का नूर, तुम और महिवाल एक ही हुस्न और एक ही नूर से मोहब्बत करते हो, फिर भी तुम्हारे दिल में नफरत का जहर भरा हुआ है। तुम महिवाल की जान लेना चाहते हो, आज से पहले भी तुमने महिवाल को कत्ल करने की कोशिश की थी, और कातिल खुदा और इंसान का दोनों का गुनहगार होता है। जाओ बेटा महिवाल से अपने कसूर की माफी मांगो, फिर शायद खुदा भी तुम्हें माफ कर दे। आज से महिवाल तुम्हारा भाई है और सोनी की हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। सरकार तूने सुना पीर साहब ने कहा सोनी मेरी, उसका ब्याह फत्ता से नहीं हुआ। मुबारक हो सरकार, मुबारक हो। आज मैं फिर सोनी से मिलने जा रहा हूँ। नहीं सरकार वहां न जाइए, वरना फत्ता फिर झगड़ा करेगा। अब तो मैं अपनी सोनी के लिए जान पर खेल जाऊंगा, उसे दुल्हन बनाकर बुखारा ले जाऊंगा। लो तुम ये ताबीज लो, इसे बेचकर थोड़े से सफर खर्च और एक घोड़े का इंतजाम कर लो। ये घोड़े का सरकार? नहीं ये गुलाम भी अपने दुल्हन को अपने साथ ले जाएगा, दो घोड़े का सरकार। किस सोच में हो बांधो लंगोट? लंगोट खोल दिया है। क्यों खैरियत तो है? मैं सोच रहा हूँ क्या मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। क्या कह रहे हो उस्ताद? मैं झूठ थोड़े ही कह रहा हूँ, अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। कल जिसे मारकर दरिया पार डाल आए थे, कानों सुनी नहीं आंखों देखी कह रहा हूँ। बल्ले ओए मैं तब से यही सोच रहा हूँ कि क्या किया जाए। क्या किया जाए बस पता बता दो कहाँ है वो। अपना वार कभी खाली नहीं गया, सुबह लाश लाकर सामने रख देंगे। अब जाने भी दो, उसे कोई नहीं मार सकता, उसकी जिंदगी अभी बाकी है। जिसे अल्लाह रखे भले उसे कौन चुके। अबे ओ हमीदे उस्ताद को जरा ठंडी सी पिला, जब से सोनी से शादी हुई है अपनी हार बड़ी जल्दी मानने लगे हैं, बस जरा सी भी और हथियार डाल दिए। लो उस्ताद जी किसने बांधा है? तेरी बहन ने बांधा है पत्ता, वो मुझसे बहुत नफरत करती है। वो बहुत बुरी है सोनी, मुझे भी उससे डर लगता है, मगर तू बहुत अच्छी है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ सोनी, इतनी सारी मोहब्बत। बस इतनी सी? नहीं इससे भी ज्यादा, इतनी सोनी। तुम मुझे खोल देना। अभी खोलता हूँ। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी बहुत बुरा।
मैं आज यहां सो जाऊं सोने? हाँ, सो जा। यहाँ नहीं पता, नीचे। अच्छा, जहाँ तो कहते हैं वहीं सो जाता हूँ सोने। सो जा। आज तुमने पहली बार मुझसे प्यार की बात की है। ये ले। सोरा? हाँ। आज सोनी ने पहली बार मुझसे प्यार की बात की है। पहली बार प्यार की बात की है। पहली बार सोनी ने मुझसे प्यार की बात की सब बता रहा तुम्हें। वो दिन याद है जब हम बैलगाड़ी में बैठकर बैसाखी के मेले से वापस आ रहे थे और उसी दिन तुमने मुझसे प्यार की कसमें खाई थी। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद रास्ते में जब हमारी गाड़ी चिनाब की मोड़ के पास पहुंची तो फत्ता और उसके आदमी ने हमें घेर लिया था। तुझे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। सुन, रात को सोनी ने मेरे से बड़े प्यार की बातें की। और मैंने उसे खोल दिया, फिर बल्ले हुए हम दोनों सो गए। वो पलंग के ऊपर और मैं पलंग के नीचे, वो रात भर यही थी। तुम लोग ये बताओ कि लड़की किससे शादी करना चाहती है? हुजूर, वो तो हर वक्त महिवाल का नाम लेती है। हाँ, तो
उसकी शादी महीवाली से हो सकती है, फत्ता से नहीं। आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरी एक छोटी सी अर्ज है। हाँ कहो। सोनी महीवाल के निकाह से फत्ता को बड़ा दुख होगा। वो जरा तेज मिजाज का है, कहीं मारपीट करने पर उतर आया तो बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं चाहती हूं चुपके से कर दिया जाए। आप ही पढ़ा दीजिएगा। वो रोज रात को महीवाल से मिलने आती है, आज भी आएगी। सोनी सोनी, अब आंसू पोंछ डाल, आज तेरे दिल की मुराद पूरी हो जाएगी। मैं वादा कराई हूं कि अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाकर महीवाल के पास भेजूंगी। जन्नत। हाँ सोनी जन्नत, तुम कितनी अच्छी हो, मैं अब तक तुम्हें डाइन समझती थी। मेरा कहा सुना माफ कर देना सोनी, आज के बाद फिर शायद कभी ना मिल सके। तू अपने गहने कपड़े निकाल, मैं तेरी रुखसती का इंतजाम करती हूं। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, कभी नहीं भूलूंगी चंद। वीर साहब ने क्या कहा? यही कि सोनी का निकाह नहीं हुआ। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा निकाह पढ़ा दीजिए, आज रात को शादी हो जाएगी। तो फिर मैं दाढ़ी बनवा लूं और सेहरे के लिए फूल ले आऊं। सोचा थोड़ा सवाब भी कमा लो। सोनी मेरा कहा सुना माफ कर देना। बल्ले ओए, मैं आ गया हूं जन्नत, सोनी को दुल्हन बना दिया। दुल्हन रुखसत हो गई। रुखसत हो गई? हाँ। दुल्हा को यहां छोड़कर? दुल्हा दरगाह में है, सोनी की शादी महीवाल से होगी। पीर साहब ने यही फैसला किया है। तूने मान लिया? जन्नत ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, सोनी महीवाल के पास कभी नहीं पहुंच सकेगी, वो बीच दरिया में डूब जाएगी। मैं कच्चा खड़ा रखा ही हूं। सोनी बीच दरिया में डूब जाएगी? सोनी बीच दरिया में डूब जाएगी? नहीं, तूने कच्चा घड़ा क्यों रखा है? तूने कच्चा घड़ा क्यों रखा? तूने कच्चा घड़ा क्यों रखा? तू बड़े मक्कार है पापी। मैं सोनी को मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ। तूने बहन को मारा है। खुदा किसी को ऐसी बहन ना दे, तू बहन नहीं डायन है।
वाला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, वो रात गजब की आई, चांद छुपा और तारे डूबे, रात गजब की आई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, वो रात गजब की आई। पड़ी है आंधी गम की हो, टूट पड़ी है आंधी गम की, आज पवन है पागल, आज पवन है पागल, कांप रही है धरती सारी, चीख रहे हैं बादल, हो चीख रहे हैं बादल, तूफान हजारों, हुस्न की एक तन्हाई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। मौत की नागन बदली छाई, ओ रात गजब की आई। भोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे, भोर अंधेरा मुश्किल राहें, कदम कदम पे धोखे, आज मोहब्बत रुक न सकेगी, चाहे खुदा भी रोके, हो चाहे खुदा भी रोके, राह वफा में पीछे हटना प्यार की है रुसवाई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। पार नदी के यार का डेरा हो, पार नदी के यार का डेरा, आज मिलन है तेरा, आज मिलन है तेरा, ओढ़ ले तू लहरों की चुनरी, बांध ले मौज का सहरा, ओ बांध ले मौज का सहरा, डोले में मंझधार के होगी तेरी आज विदाई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रात गजब की आई। डूब के इन ऊंची लहरों में नैया पार लगा ले, उल्फत के तूफान में जिंदा रहते हैं मरने वाले, ओ रहते हैं मरने वाले, जीते जी संसार में किसने प्यार की मंजिल पाई, हुस्न चला है, इश्क से मिलने जुल्म की बदली छाई, ओ रा...
रात गजब की आई। तेरे दिल के खून से होगा लाल चनाब का पानी, दुनिया की तारीफ में लिखी जाएगी ये कुर्बानी। सोहनी और महिवाल ने अपनी इश्क में जान गवाई, इश्क में जान गवाई। किस्से सुनाए जाएंगे ये गीत हमें गाए जाएंगे।